अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स। हमेशा की तरह आज बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी अपने बहन भाइयों के साथ शेयर करने वाली हूँ। वो रेमेडी हम रेडी करेंगे इसे एक टमाटर से। इससे आज हम मैनीक्योर पेडीक्योर ये चीज़ें करेंगे टमाटर से, क्योंकि आजकल महंगाई इतनी हो चुकी है कि किसी भी फंक्शन पर जाना हो, दिल तो सबका करता है कि मैनीक्योर पेडीक्योर करवाएँ, फेशियल करवाएँ, लेकिन महंगाई की वजह से हर किसी की पॉकेट इजाज़त नहीं दे रही होती कि हम पार्लर जाकर हज़ारों रुपया खर्च करके आए, जबकि आज हम अपने किचन से सारे काम कर सकते हैं बग़ैर पैसा खर्च किए। महंगाई इतनी भारी है सब पे मेरे समय, तो चलें जी सिंपल सी रेमेडी को स्टार्ट करते हैं, फिर इसका फ़ायदा होगा हज़ारों का। सबसे पहले हमने टमाटर लेना है, उसको वॉश कर लेना है, लेकर इस तरह दो पीस कर लेने हैं और उसमें बारीक बारीक से कट लगा लेने हैं अच्छे तरीके से। अब मैं इसमें जो ऐड कर रही हूँ वो है मीठा सोडा। मीठा सोडा तकरीबन हर घर में, हर किचन में मौजूद होता है। इससे हम मैनीक्योर पेडीक्योर करेंगे। बहन भाइयों से गुजारिश है कि मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताया करें कि आप कहाँ से हैं और कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं। सबसे पहले हम इसमें ये देखें बारीक बारीक से कट लगा कर इसमें मैंने मीठा सोडा ऐड किया है। अब मैं इसमें थोड़ी सी हल्दी जो है वो ऐड करूंगी। हल्दी का सदियों से स्किन को खूबसूरत बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हल्दी का हम उबटन में भी इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद आपने क्या करना है, पेस्ट ले लेना है, कोई भी पेस्ट जो आप यूज़ करते हैं। मैं आपको मैनीक्योर पेडीक्योर के बहन भाइयों को रिजल्ट दिखाऊँगी। आप इसको अपने बाजू, टांगों, हाथों पर भी आप इसका मसाज कर सकते हैं। ये देखिए मैंने पेस्ट ले ली थोड़ी सी। अगर आपका कलर डार्क हो जाता है, ख्वातीन अपने कामों में अपने हाथों का ख्याल नहीं रखती, कपड़े धोते हैं, बर्तन धोते रहते हैं तो हाथों का ख्याल नहीं रख सकते। टमाटर में बहुत ज़्यादा जो वाइटनिंग है प्रॉपर्टी मौजूद होती है, इसको अच्छे से आपने मसाज कर लेना है। ये देखिए इसका आपने अच्छे से अपने हाथों पाँव पर मसाज करना है। अपने हाथों पाँव की स्किन को आप इससे पॉलिश कर सकते हैं। टमाटर के बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होते हैं। ये मैंने इस पे जो है थोड़ा सा सिरका ऐड किया है। आप चाहें तो इसमें लेमन भी यूज़ कर सकते हैं। अगर काम करके आपके हाथ पांव बहुत ज़्यादा सख्त हो जाते हैं तो इसको यूज़ करने से सॉफ्ट हो जाएंगे, एक दफ़ा के इस्तेमाल से ही फ़र्क नज़र आएगा। लेकिन ये नहीं कि ये जादू है, सिर्फ एक दफ़ा यूज़ करेंगे तो वाइट हो जाएंगे। आपको वीक में 3 से 4 बार इसको यूज़ करना होगा, बहुत ही बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। इस तरह से आपने मसाज करनी है। आपको लाइव रिजल्ट दिखाऊंगी और मैंने वीडियो बनानी थी, थोड़ी देर के लिए मसाज किया तो इतना बेस्ट रिजल्ट मिले हैं मुझे, आप यकीन करें। आप इस रेमेडी को ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना। और प्लीज़ 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 अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर तो लाजमी कर दिया करें। ये देखिए हल्के हल्के हाथों से आपने जेंटली इसका अपने हाथों पांव का इस तरह से आपने मसाज कर लेना है। 5 मिनट मैंने इस तरह मसाज किया है। आप चाहें तो हल्का सा इसमें दूध भी यूज कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से आपने मसाज कर लेना है। ये नेचुरल रेमेडी है, आप इसको इस्तेमाल रात को करें और सुबह आपको बहुत ही बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। किया था दूसरे हाथ पे नहीं यूज़ किया था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।